तो अब हम आगे इसके बात करते हैं लिमिट बोर्ड मैनेजमेंट कि ये जो सेल मैनेजमेंट बोर्ड है एगोना टेक्सटाइल, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये एंगुलर टेक्सटाइल लिमिट रोड का हम किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे। मैनेजमेंट मीन नियंत्रण, हम अपने खेत में इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है वह जैसा कि हम लोग पिछली बीमारियों में भी हम लोग देखते आए हैं कि जब हमारा सीड हेल्दी होगा। मैंने जैसे बताया था कि इसका इंफेक्शन कैसे होता है, या तो ये एंगुना टेक्सटाइल सीड के साथ मिलकर के खेत में पहुंच जाता है, या ये जो सिस्ट होती है ये खेत में पड़ी रहती है और वहां पर परपेचुएशन होता रहता है। जब खेत में गेहूं जो कि बड़ी मात्रा में अन्य खरपतवारों के साथ खेत में परचुएट करती रहती है, ये पानी को अवशोषित कर लेती है और इनकी झिल्ली बुनाई हो जाती है। और जो सेकंड स्टेज लार्वी होती है इसकी एंगुना टेक्सटाइल की, ये उसमें अपने स्टाइलेट के माध्यम से छेद करके बाहर निकल आती है और पौधे को रोगग्रस्त करते हैं या पौधे को क्षति पहुंचाती है। तो अगर जो हम सिलेक्शन ऑफ पहले से हम सीड का इस प्रकार से चयन करें कि उसमें एंगुना टेक्सटाइल उपस्थित न हो, या बीज हम ऐसे क्षेत्र से लाएं जहां पर कि एंगुना टेक्सटाइल का प्रकोप न हुआ हो, तो हमको सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पहले सीड करना है इसमें कि एंगुना टेक्सटाइल न हो। नंबर सेकेंड, बीजों की शुष्क सफाई, सेकेंड वन ड्राई क्लीनिंग ऑफ सीड, ड्राई क्लीनिंग ऑफ सीड। शुष्क सफाई या ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया था कि ये लिमिट फूड की निमेट अभी बंद कर दिया था ये प्रकार से सही था। तो ड्राई क्लीनिंग, तो इसको बीज को अच्छे प्रकार से सुखा देते हैं इसकी और इसमें जो सफाई कर देते हैं ताकि पिटकाएं वो बाहर। थर्ड है बीजों का लवण जल दमन, जल दमन या डिपिंग ऑफ से, डिपिंग ऑफ से इन 20% सोडियम सल्फर। जो बीज पिटकाएं होती हैं दिस इज वेरी इफेक्टिव, जो जल का होता है
प्रतिशत नमक के घोल में 20% नमक का घोल बनाते हैं और इसमें सीख को डिप करते हैं, भिगोते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम सीख को भिगोते हैं तो जो अच्छा सीख होता है वो नीचे बैठ जाता है, सेगमेंटेशन हो जाता है इसका, ये तरी में बैठ जाता है और जो बीज पिटकाएं होती है सीड गाल होती हैं वो पानी में ऊपर तैरने लगती हैं, जिनको कि हम हाथ से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल करके इनको नष्ट कर देते हैं और जो ये सीड नीचे बैठ जाता है नमक के घोल में, इसको पुनः पानी से, साफ पानी से धोकर करके इसको छाया में सुखा करके हम प्रयोग करते हैं। तो ये विधि इसके लिए बहुत ही कारगर है। तो हम डिपिंग ऑफ शेड इन 20% शार्प सॉल्यूशन, शार्प सॉल्यूशन या सोडियम सॉल्यूशन कह लीजिए, इसमें हम बीज को डिप करते हैं और ये साफ पानी से हम दो से तीन बार साफ पानी से धुल लेते हैं ताकि जो नमक बीज से चिपका हो वो धुल करके बाहर निकल जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन जल उपचार।
खेत से बाहर निकाल देते हैं। तो खेत से रोगग्रस्त पौधों को या रोगग्रस्त पौधों के विषों को बाहर निकालने की क्रिया को हम घोषित कहते हैं। तो ये हमको अपने खेत में परमानेंट मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और अगर जो कोई हमको रोगग्रस्त पौधा या रोगग्रस्त पार्ट दिखाई पड़ता है कैमरा की सहायता से, तो उसको हम निकाल दें। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र, तो क्रॉप रोटेशन को हम जानते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम जिन क्षेत्रों में यमुना सिंचाई का प्रकोप हुआ, ये क्षेत्र का प्रकोप हुआ हो या यमुना सिंचाई का प्रकोप हुआ हो, उस क्षेत्र में हमको 2 से 3 वर्ष तक टूटी या गेहूं की फसल को नहीं लेना है। क्योंकि अगर तो 2-3 वर्ष का हम बैठ जो हमारे रोग रोधी प्रजातियां हैं, रोग रोधी प्रजातियां, तो रोग रोधी प्रजातियों में हमारे आ जाते हैं सोना प्रेशर, सोना प्रेशर, लर्मा राजो, आदि रोग रोधी प्रजातियां उगानी चाहिए, जिनमें कि हमारा ईयर पॉकेट डिजीज,
एंड येलो ई आई डी डीजी ना हो सके, क्योंकि ये हमारा जो शेड आर लिमिट जो है इन्फ्रंट साइड, इसके द्वारा ये दोनों ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमको ये रोग रेजिस्टेंट या जीन रेजिस्टेंट वैरायटी वाली चाहिए जिनमें कि ईयर पॉकेट डिजीज ना हो सके, और गेहूं में हमारे येलो ईयर डिजीज भी उत्पन्न ना हो सके। इसके साथ अगर जो इसके बाद भी इसका उपचार नहीं हो पाता है और निमेटोड जो है एक नाम का थ्रेशोल्ड इटियल इटियल से अधिक हो जाता है, तो हमें सूत्रनाशी का प्रयोग करना चाहिए, निमेटिक यूज निमेटिक कार्बोफ्यूरान नेमापास आदि। तो हमको इसमें से बीडी मिक्सचर, इसमें से बीडी मिक्सचर का छिड़काव 20 से 40 गैलन 20 से 40 गैलन गैलन पर एकड़ के हिसाब से करना चाहिए, या फिर ये हमारे पास नहीं है तो नेमागान 1 से 2 लीटर नेमागान नेमागान 1 से 2 लीटर पर एकड़ 10 से हमको प्रयोग करने से हमारे खेत में रोग नियंत्रित हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये आज आप लोगों ने सीड डाल निमेटोड एंगुलर साइज का क्लासिफिकेशन पढ़ा, इसका डेसिमिनेशन पढ़ा, इसकी डिजीज साइज पढ़ी और फिर इसका मैनेजमेंट पढ़ा कि ये रोग किस प्रकार से नियंत्रित होगा जिससे कि धन्यवाद।